अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर हम लेंगे वो चैप्टर 3 है, पर्सनल लॉज, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। पर्सनल लॉ 1, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। पर्सनल लॉ जो कि अगर जिसका हम उर्दू तर्जुमा करें तो उससे पता चलेगा, ये किसी शख्स के बारे में एक कानून की राय क्या होगी। और जब आप शख्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो ये पता चलेगा कि एक शख्स अगर है तो उसको उसके कुछ अपने अपनी चीज़ें भी होंगी, जैसे वो किसी धर्म का मानने वाला भी होगा, किसी इलाके में रहने वाला होगा, तो उस तरीके के जो कानून होंगे, मतलब अगर उसकी जो शख्सी ज़िंदगी है, मतलब उसकी जो पर्सनल लाइफ है, जो उस पर वो कानून जो लागू होंगे वो कौन से कानून लागू होंगे। जैसे कोई हिंदू मज़हब का मानने वाला है, कोई मुस्लिम मज़हब का मानने वाला है, तो उसके शादी ब्याह पे और उसके नान नकफे पे, तलाक पे कौन से कानून लागू होंगे। इस लेसन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर शादी ब्याह का मामला है और मेंटेनेंस यानी नान नकफा के मामला है, अडॉप्शन गोद लेने का मामला है, उसमें कौन से कानून लागू होंगे। तो उसमें उस मज़हब के, जिस मज़हब का वो मानने वाला है, उस मज़हब के कानून उस पर लागू होंगे। जैसे जब इस चैप्टर की शुरुआत आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर की शुरुआत में आपसे बताया जाएगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के मकासद क्या हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के मकासद ये हैं कि आपको इस बात का एहसास होगा कि लफ्ज़ से हिंदू और लफ्ज़ से मुसलमान कौन है। मतलब अगर कोई आदमी, कोई शख्स हिंदू मज़हब का मानने वाला है तो वो कौन होगा हिंदू मज़हब का मानने वाला, और इस्लाम यानी मुस्लिम मज़हब का मानने वाला कौन है, उसकी क्या शरीयत शराइत है, कौन लोग हिंदू मज़हब के मानने वाले होंगे और कौन मुस्लिम मज़हब के मानने वाले होंगे, ये पढ़ने का पहला मकसद है। दूसरा, उनके कानूनी पहलू कि उन पे कौन से, अगर उनकी शादी ब्याह का मामला है तो कौन कैसे हिंदू मज़हब में कौन शादी कर सकता है और मुसलमान इस्लाम मज़हब में कौन शादी कर सकता है, ये आपको इस लेसन से पता चलेगा। तीसरा, उनके जो जानशीनी के कानून हैं और जो मीरास के कानून हैं, उससे आपका एक राबता कायम होगा इस लेसन के ज़रिए। अब मसला ये है कि अगर हम हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज की बात कर रहे हैं तो हिंदू लॉज से गवर्न कौन होगा, मतलब हिंदू लफ्ज़ हिंदू के मायने क्या हैं। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो लफ्ज़ हिंदू के मायने ये हैं कि वो शख्स जो जो कि हिंदू है बाय बर्थ यानी पैदा होते, एनी पर्सन हु इज़ अ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन बाय रिलीजन। तो अगर चार, इन चार मज़हब का मानने वाला है तो वो लफ्ज़ हिंदू की डेफिनेशन में, हिंदू मज़हब की परिभाषा में आएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति जैन है या बुद्धिस्ट है या सिख है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अडॉप्शन, गोद लेना, मेंटेनेंस, नान नकफा, गार्जियनशिप, जानशीनी का कानून, सक्सेशन और मीरास इनहेरिटेंस के जो कानून है वो समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इस चैप्टर के समझने के मकासद क्या है, उस मकासद से आपको मैं ये रूबरू कराना चाहता हूँ कि इसके मकासद ये हैं कि आपको ये जानकारी हो जाएगी कि हिंदू लफ्ज़ हिंदू और लफ्ज़ मुसलमान से क्या ताल्लुक़ है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि लफ्ज़ हिंदू और लफ्ज़ मुसलमान से क्या मीनिंग क्या है, इन लोगों का इसका मायने क्या होते हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लफ्ज़ हिंदू जो है उसमें जो चार धर्म के लोगों को इंक्लूड किया जाता है, हिंदू शब्द के मायने में चार लोगों को इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन, हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स अगर हिंदू है, जैन है, सिख है और बुद्धिस्ट है तो वो हिंदू लॉज के अंदर, हिंदू टर्मिनोलॉजीज के अंदर हिंदू माना जाएगा। या कोई व्यक्ति जो बचपन में जो पैदा हुआ है हिंदू माता पिता के, यानी हिंदू जिसके माँ बाप हैं, वालिदैन हिंदू हैं, तो वो शख्स भी जो है हिंदू लॉज के अंदर हिंदू माना जाएगा। और उन दोनों में से दोनों वालिदैन जो हैं हिंदू हैं या एक वालिदैन हिंदू है तो उसमें भी वो जो है हिंदू परिभाषा में आएगा। एनी पर्सन, अब कौन व्यक्ति जो है वो हिंदू नहीं कहलाएगा, जो शख्स अगर कोई एनी पर्सन हु इज़ नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू, अगर कोई इन मज़हब का मानने वाला है, जैसे मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या पारसी है या यहूदी है, अगर इन मज़हब का मानने वाला है तो वो भी, इन मज़हब का मानने वाला नहीं है तो वह भी हिंदू कहलाएगा, ठीक है। तो अगर अब इसमें आपने समझ लिया कि इस हिंदू धर्म में कौन कौन लोग हिंदू होंगे, पहले तो वो लोग जो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट होंगे, दूसरा जिनके माता पिता या वालिदैन जो हैं दोनों में से एक या दोनों हिंदू हों, तीसरा जो है कि उनका कोई भी, एनी पर्सन हु इज़ नॉट मुस्लिम बाय रिलीजन, क्रिश्चियन बाय रिलीजन एंड पारसी बाय रिलीजन, या तो वो क्रिश्चियन ना हो या इस्लाम धर्म के मानने वाले ना हो या यहूदी धर्म के मानने वाले ना हो,
तो वो हिंदू की परिभाषा में आएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको हिंदू धर्म, हिंदू वर्ड लफ्ज हिंदू का मायने आपको समझ में आ गए। अब लफ्ज मुसलमान कौन होगा, लफ्ज मुसलमान कौन होगा, लफ्ज मुसलमान अ मुस्लिम इज अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस इस्लाम रिलीजन, जो एक मुस्लिम वो है जो इस्लाम धर्म का मानने वाला है, जिसके माता पिता जो हैं दोनों इस्लाम के मानने वाले हैं, या अब वो कैसे पैदा हुआ तो मुस्लिम हो सकता है, या वो कन्वर्ट किया हो या उसने इस्लाम को अपनाया हो तो उसने तो वो मुस्लिम माना जाएगा। अब मुस्लिम कन्वर्ट कैसे हो सकता है, अब मुस्लिम इस मुस्लिम बाय कन्वर्जन, अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है वक्त लफ्ज़ मुस्लिम के मायने में आएगा तो वो अपने धर्म की तब्दीली, मजहब की तब्दीली से मुस्लिम हो सकता है। तो वो कब हो सकता है, जब वो अपने पूरे शऊर के साथ, पूरे शऊर के साथ अपने पूरे होशो हवास में तब्दीली करे और अपनी उम्र की उस उम्र में पहुंच गया हो जब वो पूरे अपने होशोमंदी से अपने डिसीजन ले सकता है, तब वो मुस्लिम कहलाएगा। तो मुसलमान मुस्लिम लॉ के अंडर एक व्यक्ति मुस्लिम तभी कहलाएगा या तो वो पैदाइशी मुसलमान हो या किसी मुस्लिम घर में पैदा हो, या फिर वो कन्वर्जन के तहत जो है वो मुस्लिम हो जाए। ठीक, तो दोनों चीजें समझ में आ गई आपको, जैसे अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हिंदू पर्सनल लॉज और मुस्लिम पर्सनल लॉज। तो हिंदू पर्सनल लॉज समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदू लफ्ज हिंदू कौन है और लफ्ज मुस्लिम कौन है। तो लफ्ज हिंदू से आपको समझ में आया कि लफ्ज हिंदू से हिंदू वो है जो सिख जैन बुद्धिस्ट और हिंदू है, और उसके माता पिता या वालदैन जो है दोनों में या एक हिंदू है, या वो किसी सिख क्रिश्चियन पारसी या इस्लाम मजहब का नहीं को फॉलो नहीं करते हैं। तीसरा जो चौथा जो है फिर आपसे ये पूछा जाएगा मुस्लिम कौन होता है, मुस्लिम वो व्यक्ति होता है जो पैदाइशी किसी जिसके वालदैन इस्लाम में उसके जिसके वालदैन इस्लाम के मानने वाले हैं जो, और वो इस्लाम घर में पैदा हुआ है, मुस्लिम घरों में पैदा हुआ है, या फिर वो बाय कन्वर्जन जो है अपने जब होशबंदी में आ गया तब उसने जो है इस्लाम को कबूल किया है। ठीक, तो ये आपको लफ्ज़ हिंदू और लफ्ज़ मुसलमान के मायने मिल गए। अब हिंदू लॉ के ज़राए क्या हैं, हिंदू लॉ के ज़राए, अब हर चीज़ का एक ज़राए है कि कहाँ से कोई चीज़ की उपज, मतलब कहाँ से कोई चीज़ निकल के आई है। अब हिंदू लॉ निकल के जो आता है वो निकल के आता है उसके कदीमी ज़राए हैं और एक जो है मॉडर्न लॉज हैं जो जदीद ज़राए हैं। तो मॉडर्न ज़राए कदीमी ज़राए कौन कौन से हैं, कदीमी ज़राए में चार हैं। आपको आपकी कॉपी आपकी बुक अगर आपकी स्क्रीन देख रहे होंगे तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसमें चार ज़राए हैं। तो एंशियंट यानी कदीम ज़राए को बोलते हैं एंशियंट सोर्सेज में ये मान के चलते हैं कि हिंदू मज़हब में जो उसकी जो फॉलो जो उसको रूल्स मिले हैं, जो लॉज मिले हैं, वो खुदा की तरफ से उसको डिवाइन लॉ भी माना जाता है। जैसे वेदास और स्मृति, वेदास और श्रुति जो है वो उसका पहला प्राइमरी सोर्स है। दूसरा जो है उसका स्मृति, ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वेदास और श्रुति जो है ये इसका प्राइमरी सोर्स है। दूसरा है स्मृतिस, तीसरा जो है वो है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, और चौथा जो है वो है रिवाज। ठीक, तो चार इसके कदीमी जो है जराए हैं। पहला आपने देखा इसमें ये कोई नहीं पहला जो सोर्स है वो है वेदास और श्रुतीस। दूसरा सोर्स जो है जराए जो है वो है स्मृतीस। तीसरा जराए है कमेंट्रीस और चौथा जराए है रिवाज। ठीक, अब मैं इसको आपको अब इससे बेहतर समझ में आएगा जब मुस्लिम जराए देखते हैं, सोर्सेज ऑफ इस मुस्लिम लॉ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हमारे लिए प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉज के लिए पहले प्राइमरी सोर्स है कुरान, सेकेंडरी सोर्स है सुन्नत और हदीस, तीसरा सोर्स है इजमा और कयास, चौथा सोर्स है कयास। तो अब यहां अगर आप हिंदू लॉज में देखेंगे तो हिंदू लॉज में पहला प्राइमरी सोर्स है वेदास, दूसरा सोर्स है आपका स्मृतीस, जो उस हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और हिंदू धर्म के जो मुख्तलिफ लोग थे जिनको उसकी नॉलेज थी तो उन्होंने वेदास से लिख के कुछ कमेंट्रीज लिखी, तो उसका वो तीसरा सोर्स है, कमेंट्रीज जो है वो तीसरा सोर्स है, और चौथा सोर्स है रिवाज, कोई रिवाज है
जैसे कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती थी कोई रिवाज के तहत उन्होंने चलन शुरू हो गया, अब वो टाइम इमेमोरियल से कस्टम, हम लोग ने पिछले चैप्टर पिछले क्लास में देखा था कि कोई रिवाज रिवाज कब होगा, रिवाज वो तब होगा जब उसमें कोई ब्रेक ना हो। जैसे ही अगर कोई ब्रेक आ गया किसी रिवाज में तो वो रिवाज खत्म हो जाता है। अगर वो टाइम इमेमोरियल से चलता चला आया है वो रिवाज, तो वो रिवाज कंटिन्यूएशन में होगा। ये तो इसकी कदीमी सोर्सेस थे।